गोरखपुर दौरे पर पहुंचे प्रदेश के सिंचाई यांत्रिकी तथा जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कैंट थाने तथा गौशाला कान्हा उपवन का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ, सीडीओ अनुज सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने थाना परिसर, कार्यालय, आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था, अब तक कैंट पुलिस तथा अपराधियों के खिलाफ की गई कार्यवाही, बंदी बैरक सहित अन्य बिंदुओं का निरीक्षण किया। उसके बाद प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने महवा में निर्माणाधीन गौशाला कान्हा उपवन का निरीक्षण किया और कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कार्य की समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि गोरखपुर पुलिस की कार्यप्रणाली में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि पुलिस को गश्त का समय बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कान्हा उपवन के संबंध में प्रभारी मंत्री ने कहा कि मार्च तक इसका निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। इसमें 200 पशुओं के रखने की व्यवस्था की गई है। प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, लेकिन मालखाना में आप लोग नहीं जाएंगे, मीडिया आप जो फोटो वो बुकलेट लाना मुझे, कल जो दिखाई थी आपको, मुझे भी कल जो बुकलेट दिखाई थी लाइए, इसको रिन्यू कर लो। जी जी सर, बगल में नया थाने की आई थी, उसमें बजट नहीं आया, कल वो बुकलेट दिखाई लाइए। मैं तो हर तीसरे दिन हर थाने में जा रहा सबसे बड़ा थाना है 10 चौक, आधे से ज्यादा शहर इसी था, यही थाना प्रबंध कर रहा है। प्रपोज किया एक थाना इसको और बनाना, 5 चौकियों का अलग थाना, 5 यहाँ से यही यहाँ पे सिपाही कितने हैं? 196 होना चाहिए, 85 और ये 196 भी सर, ये जो सेंट्रल स्टेट थे किस साल की फिक्स की हुई है सर? ये सेक्शन जो है साउंड क्लॉक सर, अगर आप देखें कि अगर हम 12-12 घंटे भी दो ड्यूटी लगाते हैं तो एक चौकी पे 6 से 7 आदमी एरिया बहुत बड़े बड़े होते हैं, जब हमारे पास ये भर्ती होंगी सर, इससे बहुत फर्क पड़ेगा पुलिस को, बहुत बहुत सर डाटा बना के रखा है, लेकिन रोड नहीं थाने का कोई भी देख सकते हैं सर, ब्लू मर्डर इस तरह से ऐड दिखाया है। 14 में सर 14 15 जी देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी के चक्कर में इसको।
सर। ये फूड स्टोरेज बनाएंगे, ये दो बिल्डिंग है सर, उसके बाद दूसरा गोदाम मास्टर पूरा कर रहे टेंडर से। ये तो पुण्य का काम है। नहीं नहीं कर रहे हैं सर, ये टेंडर के पीछे मत जाओ, ये गौशाला बना रहे हो आप, ये मतलब का इसमें इसमें आपकी भी सहभागिता रहे ऐसा सोचो। दूसरा पुण्य नहीं 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 मैं सच बता रहा हूँ, ये आपकी सहभागिता रहे कि आप इतना सहयोग कर रहे हो, ये बहुत बड़ा काम है, महाराज जी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये तैयार हो जाएगी, इसे तैयार है और गायें आ जाएं इसमें बनती लगे ना गोरखपुर में एक मॉडल, मतलब एक तो मॉडल के रूप में मार्च में पूरा कर दोगे। अक्टूबर में शुरू किया सर, 10 अक्टूबर से इसको और इसी 10 अक्टूबर से। ठीक है ठीक नहीं थे देखिए ये गड़बड़ करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा रहती है कि गुणवत्ता में कोई भी समझौता ना किया जाए, थर्ड पार्टी चेकिंग और ये सब रहना चाहिए। आने में रिपोर्ट थोड़ा टाइम लगता है सर, अपनी की करते हैं सर। ये मार्च तक काम अच्छा, बाउंड्री वॉल तो लगभग है आपकी पूरी हो चुकी है। बाउंड्री वॉल सर 60-70 मीटर बची है सर, कुछ विवाद था तो डीएम साहब ने इसको ठीक कर दिया। क्या था? कुछ विवाद था सर लोकल लोगों का। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने उसे हल कर, डीएम साहब ने कर दिया। ठीक है, लोकल लोग भी इसको एडजस्ट कर लें। 879 में सर 803 मीटर बना चुके हैं, बन रही है, ये बनी हुई है। ऐसी बनती रहती है सारी चीजें सर, भूकंप वाली हम लोगों ने ले हुई है, डाल ली है। ठीक है, पानी निकलेंगे आप लोग, बढ़िया निर्माण करिए बस। नहीं नहीं ठीक है, प्रधानमंत्री जी का ये भी मोदी जी का विजित घर माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहीं से बोला था। जी 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 सर, एक्चुअल में 4 करोड़ की केवल योजना थी सर। हाँ हाँ, शुरुआत उसके लिए फिर 1000 गायों का मेला लगाया गया सर, जनसभा रखी गई, तो वहाँ बहुत बड़ा फार्म हाउस है सर, 70 एकड़ का है। देखिए आज मैंने कैंट थाना चेक किया, कैंट थाना जनपद गोरखपुर का पुराना थाना है। थाने में जाने का प्रयोजन मेरा विशेषकर ये था, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का सोच है कि पुलिस आम नागरिक के लिए मित्र की तरह दिखाई दे और अपराधियों के लिए शत्रु की तरह दिखाई दे, तो आज मेरे जाने का प्रयोजन यही था कि आम नागरिक से पुलिस मित्रवत व्यवहार करे और अपराधियों से पुलिस शत्रुवत व्यवहार करे, थाने में जाने वाले पीड़ित की बात गंभीरता से सुनी जाए, उसे न्याय मिले। पुलिस की कार्यशैली में परिवर्तन हो रहा है और पुलिस ने, गोरखपुर की पुलिस ने अपने काम में सुधार प्रारंभ किया है और गश्त के बारे में भी हमने कहा है कि गश्त 6 बजे तक निकल जाए और सुबह तक गश्त दिखाई दे, गश्त रहती है तो अपराधी डरता है, तो थाने की व्यवस्था चाक चौबंद रहे इसके निर्देश दिए गए। दूसरा, उत्तर प्रदेश में पशु भी एक धन है, लेकिन पशुओं के बारे में क्रूरता भी हो रही है और जो पशु पालते हैं गाय का दूध दूह कर छोड़ देते हैं,
योगी सरकार ने चिंता की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जिले को 1,20,00,000 रुपया दिया है, नगरों को पैसा दिया है ताकि उनको रखरखाव के लिए शेड बनाए जाएं। और यहाँ गोरखपुर में जिस जगह हम खड़े हैं, ये बहुत बड़ी गौशाला बन रही है। बनारस में गौशाला माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया और आज मैं प्रभारी मंत्री के रूप में इस गौशाला को देखने आया। निर्देश दे दिए गए कि निर्माण कार्य में कोई समझौता ना हो और बढ़िया ढंग से बनाई जाए, गायों के रखरखाव का पूरा सिस्टम ठीक हो, ऐसे बता दिया। कब तक कंप्लीट हो जाएगा सर? कितनी गाय रहेंगी इसमें? 200 गाय रहेंगी और मार्च तक इसको कंप्लीट कर देंगे।